में हम बात करेंगे व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अल्टिस्टिक बिहेवियर। अल्टिस्ट बिहेवियर का क्या एप्लीकेशन है, नेचुरल सिलेक्शन को कैसे ये फेवर करता है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक वैज्ञानिक थे हैमिल्टन, हैमिल्टन ने सबसे पहले बताया था कि कैसे ये वर्क करता रहता है। हैमिल्टन साहब ने बताया कि अल्टिस्टिक बिहेवियर कैसे नेचुरल सिलेक्शन को फेवर करता है। इन्होंने कुछ के लिए एक फार्मूला दिया था, उसको हमें रिमेंबर करना है। उससे सीएसआईआर में लगातार क्वेश्चन आता रहता है। जब हम बात करते हैं हैमिल्टन रूल की, तो हैमिल्टन रूल क्या करता है, हैमिल्टन रूल्स प्रपोज दैट द एन अल्टिस्टिक जीन विल बी फेवर्ड बाई द नेचुरल सेलेक्शन वेन आर वी इज़ ग्रेटर दैन सी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, हैमिल्टन रूल हमेशा इसी के बारे में बताया था। और हैमिल्टन रूल में क्या करता है, आर वी इज़ ग्रेटर दैन सी, इसका मतलब कहने का क्या मतलब है, आर यहाँ पे पहले हमको ये जानना कि क्या किसको डिनोट करते हैं। तो आर क्या यहाँ पे है, आर आर है कोफिशियंट ऑफ रिलेटेडनेस ऑफ द डोनर टू द रेसिपियंट। मतलब कि डोनर जो जो अपनी लाइफ को त्याग करके दूसरी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो जो लाइफ को त्याग कर रहा है, जो पहला मंकी था, दूसरे मंकी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कहीं वो उसका भाई तो नहीं था, उसका पुत्र तो नहीं था, उनके ग्रैंडफादर तो नहीं थे। इस तरह से डोनर और रिसिपिएंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इसको जानने के लिए जो टर्म हैमिल्टन साहब ने दिया था उसे कहते हैं कोफिशियंट ऑफ रिलेटेडनेस। तो आर यहाँ पे क्या करता है, आर इज कोफिशियंट ऑफ रिलेटेडनेस ऑफ द डोनर टू द रिसिपिएंट। यानी डोनर और रिसिपिएंट के बीच में जो लाइफ देता है, जो लाइफ जिसकी लाइफ प्रोटेक्ट करता है, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं आर। वहीं बी, बी जो होता है बी बेनिफिट्स, इसका मतलब कितना बेनिफिट जो डोनर है, कितना बेनिफिट रेसिपिएंट को दे रहा है, जो बेनिफिट जो अपनी लाइफ त्याग कर रहा है, इस लाइफ त्याग से क्या कितना बेनिफिट हो रहा है रेसिपिएंट को, इसके लिए रिप्रेजेंट किया गया कैपिटल स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है बेनिफिट रिसीव बाय द रेसिपिएंट। वहीं दूसरा टर्म है सी, सी क्या होता है कॉस्ट, इसका मतलब डोनर ने कितना कॉस्ट किया है, कितना लाइफ में त्याग किया है अपने रिलेटिव्स को बचाने के लिए। तो जो सी फॉर द कॉस्ट इनकर्ड बाय द कॉस्ट इनकर बाय द डोनर। तो एक रिलेशनशिप हमको मिलती है यहाँ पे, आर बी इज़ ग्रेटर देन, आर बी इज़ ग्रेटर देन सी। यहाँ पे एक रिलेशनशिप हमको मिलती है आर बी इज़ ग्रेटर देन सी। जब आर बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हम पाएंगे जब आर बी को हम दो आर को इधर करेंगे तो सी बाई बी होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो रिलेटेडनेस है वो हमेशा ज़्यादा होती है सी बाई बी। यहाँ पे हमको थोड़ी सी इन बातों को ध्यान रखना है, यही फार्मूला हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बार बार आता रहेगा। तो हम पहले एक बात थोड़ा सा जान लेते हैं कि रिलेटेडनेस किस तरह की होती होती है, इसका मतलब जो डोनर अपनी लाइफ को त्याग कर रहा है रेसिपिएंट की लाइफ को बचाने के लिए, तो उनके बीच में कौन कौन से रिश्ते हो सकते हैं और किसके लिए कितना लाइफ ये त्याग कर सकता है। इसका मतलब कि मंकी ने जो अपना लाइफ डेडिकेट किया है क्या सबके लिए बराबर है। नेचर में ये बात हमें बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी लाइफ को त्याग करता है दूसरे की लाइफ को बचाने के लिए, तो क्या वो सबके लिए बराबर होता है, अपने दादाजी के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने नेफ्यू के लिए, अपने स्टेप ब्रदर के लिए। तो अगर हमने जब हैमिल्टन साहब ने इस बात की स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि जितना ही क्लोज रिलेशनशिप है उतना ही ज़्यादा अल्टिस्टिक बिहेवियर वो शो करता है उसके प्रति। इसका मतलब पिता पुत्र के लिए बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ को त्याग कर सकता है रादर देन अपने दादाजी के प्रति। तो इस तरह से हमने जब हैमिल्टन साहब ने स्टडी किया तो डिफरेंट टाइप ऑफ का रिलेशनशिप हमको मिला हुआ है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे हम जेनेटिक रिलेशनशिप और कैसी दिखती है, जेनेटिक रिलेशनशिप की बात करती हैं तो यहाँ पे देखिए फादर, जब फादर्स जो डोनर होता है और उसको फादर्स के रिलेशनशिप को देखे तो वहाँ पे वो क्या होता है 0.5 रिलेशनशिप होता है, 1/2 रिलेशनशिप शो करता है, यानी 50% वहाँ पे रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। वहीं मदर से भी देखते हैं तो 0.5 रिलेशनशिप को मेंटेन करता है, यानी 1/2 50%। आप स्प्रिंग जितना अपने मदर फादर से आप स्प्रिंग रिलेशनशिप था उसको भी आप स्प्रिंग की बात करें तो आप स्प्रिंग में भी 0.5 होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट है सिबलिंग, सिबलिंग मतलब भाई बहन के बीच में कोरिलेटेड रिलेशन देखा जाए तो जेनेटिक रिलेटेड देखा जाए तो वहाँ 0.5 आती है, 0.5 आती है, यानी 1/2 आती है। वहीं सिबलिंग की बात करते हैं, सिबलिंग में भी 0.5 होता है। हाफ सिबलिंग की बात करते हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको रिमेंबर रखना है क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल सीएसआईआर में आया हुआ। हाफ सिबलिंग का मतलब होता है स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर का मतलब जिसका फादर सेम हो लेकिन मदर क्या हो डिफरेंट हो। ऐसे रिलेशनशिप में अगर आप देखा जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा रिलेशन बदलता है, वहाँ पर जेनेटिक रिलेटेडनेस थोड़ी सी कम जाती है, वो कितनी होती है 0.25 यानी 25% होती है वहाँ पर।
सॉरी जहाँ हाफ सिबलिंग की बात करते हैं तो हाफ सिबलिंग में स्टेप ब्रदर की बात करते हैं तो वहाँ पे कितनी होती है 0.25 होती है, यानी 25% 1/4। तो यहाँ पे देखेंगे मदर फादर के कंपेयर में, ऑफ स्प्रिंग के कंपेयर में इस्ट हाफ जो सिबलिंग होता है यानी स्टेप ब्रदर होता है उसमें थोड़ा सा जेनेटिक रिलेटेडनेस क्या होती है कम हो रही है। वहीं और आगे हम बढ़ते हैं तो आप देखते हैं नेफ्यू निस नेफ्यू अंकल आंट ग्रैंडफादर ग्रैंड चिल्ड्रेन इनमें जेंटिक रिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको दिखता है 0.25 यानी 25% यहाँ पे भी दिखता है यानी 1/4। और जब हम बात करते हैं सबसे कम जेंटिक जेंटिक रिलेटेडनेस हमको दिखती है कहाँ कजिन से दिखती है जहाँ पे 0.125 होता है यानी 12.5% होता रहता है। इस तरह से हम देखेंगे तो अगर हम जेंटिक रिलेटेडनेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जेंटिक रिलेटेडनेस हमको कहाँ दिखती है आप स्प्रिंग में दिखती है, पिता पुत्र में दिखती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में दिखती रहती है, पिता पुत्र के बीच में दिखती रहती है। और इसके बाद हमको और कहाँ दिखती है सिबलिंग के बीच में दिखती है यानी सिस्टर और ब्रदर के बीच में, यहाँ पे हमको 0.5% यानी 50% करेक्टर से होती है बहुत ज़्यादा जेंटिक रिलेशन यानी कि वहाँ पे लाइफ को ज़्यादा वो कास्ट कर सकता है इनको बचाने के लिए। वहीं सबसे कम बचाने के लिए लाइफ कास्ट कहाँ कर सकता है वो है कजिन के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तो ये रिलेशनशिप आपको हमेशा याद रखना है जब आपको प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो। जब हैमिल्टन रूल को हम यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि आर की वैल्यू जो हमको रखनी होगी तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे रिमेंबर करने पड़ेगा इन रिलेशनशिप को कि फादर के साथ 0.5 होता है, मदर के साथ 0.5 होता है, आप स्प्रिंग के साथ देखेंगे 0.5 रखता है, सिबलिंग मदर सिस्टर के बीच में भी देखते हैं 0.5 रखता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हाफ सिबलिंग स्टेप मदर स्टेप ब्रदर के बीच में क्या होता है 0.25 होता है और सबसे कम जो होता है 0.125 जो होता है कजिन के अंदर। तो इनको थोड़ा सा आप रिमेंबर किए रहेंगे ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो। एक पॉइंट और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूँगा कि है जैसे डिप्लॉयड के बीच में देखा गया तो ये 0.5 का रिलेशन होता है मदर फादर के बीच में ऑफ स्प्रिंग के बीच में होता है, लेकिन जब हनी बी की स्टडी किया गया तो वहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी चेंज होती है, वो हैप्लो डिप्लॉयड कंडीशन होता है। चूँकि हैप्लो डिप्लॉयड कंडीशन होता है तो वहाँ पर दो पॉइंट आप रिमेंबर रखेंगे कि सिस्टर सिस्टर के बीच का जो रिलेशनशिप है ना डिप्लॉयड के अंदर 1/2 0.5 का आर की वैल्यू होती है, वहीं जब हानी बी की बात करते हैं हैप्लो डिप्लॉयड कंडीशन में तो हो जाता है 3/4 यानी 0.75 का रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ थोड़ी आर की वैल्यू को आप रिमेंबर रखेंगे अगर कोई वो एग्जांपल दे देता है हानी बी का तो अगर सिस्टर सिस्टर की बात करता है सिस्टर ब्रदर की बात करता है तो वहाँ पर 0.75 का रिलेशनशिप आर की वैल्यू को आपको रखना रहेगा। अभी आगे हम बढ़ते हैं एक क्वेश्चन से सैर और मैं यह आया है कि जून 2015 में एक क्वेश्चन से सैर पाया हैमिल्टन रूल से और आया हुआ था। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी अगर आप ध्यान से पढ़ें ब्रदर ए एंड बी हैव द सेम फादर बट द डिफरेंट मदर, ब्रदर ए एंड बी हैव द सेम फादर बट द डिफरेंट मदर होता है। फिर कह रहा है कि बी वांट ए टू हेल्प हिम, बी चाहता है ए उसकी हेल्प करे, यानी एक जो रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे देखिए हाफ सिबलिंग की बात करता है यानी स्टेप ब्रदर की बात करता है। इसका मतलब जिनके फादर तो सेम है लेकिन मदर क्या है डिफरेंट है, तो इन दोनों बच्चों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है स्टेप ब्रदर का है, तो यानी एक ब्रदर दूसरे ब्रदर की हेल्प करना चाहता है। तो यहाँ पे हमको आर की वैल्यू ऑलरेडी पता चल रही कितनी हो जाएगी वो हमें ध्यान रखना इस बात को रहेगा, तो इस बात को अभी आगे हम न्यूमेरिकल में रिमेंबर किए रहेंगे हाफ सिबलिंग का जेनेटिक रिलेटेडनेस कितना होती है। फिर यहाँ पे कहता क्या है कि हेल्प करना चाहता है विच इन्वॉल्व बोथ बेनिफिट्स, जो जिससे वो बेनिफिट की बात करता है एंड कॉस्ट की बात करता है। इफ ए इनकर्स ए कॉस्ट ऑफ 30 डार्विनियन फिटनेस, यहाँ पे इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है कि ए इनकर कर रहा है एक कॉस्ट ऑफ कॉस्ट वाला ये कॉस्ट 30 डार्विनियन फिटनेस, यानी हमें एक वैल्यू यहाँ मिल गई सी की वैल्यू कितनी यूनिट कर रहा है 30 डार्विनियस फिटनेस यूनिट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें सी की वैल्यू 30 मिल गई फिटनेस कर रहा है यूनिट इन दैट एक्ट। अंडर व्हाट कंडीशन शुड वी हेल्प बी, मतलब किस कंडीशन, अब यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये हो जा रहा है कि इन दैट एक्ट अंडर व्हाट कंडीशन शुड ही हेल्प बी, मतलब कैसे ए बी की हेल्प करेगा। जब वो दो चीज़ें हमको मिल गई, एक तो यहाँ पे हमें क्या निकल के आता है, पहली बात तो ये ध्यान रख लेना है कि यहाँ से ए और बी क्या आता है सेम फादर है,
और ए और बी के डिफरेंट ब्रदर है, तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप वो हाफ सिबलिंग है, और हाफ सिबलिंग या स्टेप ब्रदर, और हाफ सिबलिंग और स्टेप ब्रदर की जो आर की वैल्यू होती है, जो जेनेटिक रिलेटेडनेस की वैल्यू होती है, वो कितना 0.25, वो कितनी है 0.25, वो 0.25 होता है। और आपको ये भी पता है कास्ट कितना दिया हुआ है, कास्ट ए दिया है 30 है, हमको किसकी वैल्यू निकालना है, बेनिफिट की निकालना है। तो जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं आर वी इज़ ग्रेटर दैन सी, जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है आर वी इज़ ग्रेटर दैन सी होता है, तो R की वैल्यू कितना है 0.25 हाफ सिबलिंग के लिए, और B की वैल्यू हमें नहीं पता है, और कास्ट की वैल्यू कितना दी हुई है ऑलरेडी 30 दिया हुआ है। तो R जब हम B की बात करेंगे तो B इज़ ग्रेटर देन C अपन R हो जाएगा, और C की वैल्यू कितना दिया 30 दिया हुआ है, और R की वैल्यू दिया 0.25 होता है, जब इनको हम काटेंगे तो 120 हो जाएगा। तो आप इस तरह से देखेंगे B इज़ ग्रेटर देन 120, यानी बेनिफिट 120 से ज़्यादा होना चाहिए, बेनिफिट 120 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आप आंसर में बात करेंगे तो कहता है कि ए बी के हेल्प तब करेगा जब बेनिफिट कितनी होनी चाहिए 120 से ज़्यादा करता है। इसका मतलब वो कहता है क्या है कि कास्ट 30 यूनिट की लगाता है और बेनिफिट कितनी हो रही है 120 का, तभी ये हैमिल्टन रूल को फॉलो करेगा, तभी ये अल्टिस्टिक बिहेवियर होगा। आपको पहले से मैंने ने बता रखा है कि जब कास्ट कम लगे बेनिफिट ज़्यादा होगा तभी हैमिल्टन रूल फॉलो होगा, तभी अल्टिस्टिक बिहेवियर फॉलो होगा। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें कि चार ऑप्शन दिया हुआ है, ओनली इफ़ ए बी की हेल्प तब करेगा जब बेनिफिट मोर देन 13 होगा, दूसरा ऑप्शन कहता है कि ए बी की तब हेल्प करेगा जब बेनिफिट 60 से ज़्यादा होगा, तीसरा कहता है वो तब हेल्प करेगा जब बेनिफिट क्या होगा 120 से ज़्यादा होगा, और चौथा कहता है बेनिफिट बी जब ज़्यादा होगा जब बी 240 होगा। जैसे कि आंसर हमको कितना आया हुआ है बी इज़ ग्रेटर देन 120, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, इसका करेक्ट आंसर जो सी होगा।